तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्योंकि अभी 12 बज गया और अभी हो चुका है 15 जनवरी 2024। इसका मतलब मम्मी का बर्थडे शुरू हो गया। सो मम्मी को अभी मम्मी सो रही है, सो देने जाते हैं मम्मी को सरप्राइज। चलो 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 चलो। तो गाइस, इसमें है पेस्ट्री और चॉकलेट, सो चलो चलते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ये देखो गाइस, मम्मी को दे देते हैं। लो हैप्पी बर्थडे, लो हैप्पी बर्थडे। तो ये देखो 12 बजे क्या लेके आई है, क्या लेके आई है देखो। इसको याद था मेरा बर्थडे है ना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू मेरी बेटी। और ये देखो, ये सोया हुआ है, ये भी मेरे साथ साथ। और 12 बजे अभी थोड़ी देर पहले ही सोई थी फ्रेंड्स मैं। और क्या लेके आई अनुषा मेरे लिए, सरप्राइज सरप्राइज। दिल खुश कर दिया आज अनुषा ने और दोनों बच्चों ने। देखिए फ्रेंड्स, सरप्राइज गिफ्ट लाई अनुषा मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, सो गई थी मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सोई थी मैं। वीडियो एडिटिंग कर रही थी तो मेरी आंख लग गई और अनुषा उठी हुई थी, पता है इसको याद था। और देखिए मेरे लिए सरप्राइज सरप्राइज गिफ्ट लाई, चॉकलेट। तो आप सब भी आ जाइए फ्रेंड्स। और इसमें क्या लेके आई है ये भी देखते हैं। तो आ जाइए फ्रेंड्स। और रात के 12 बजे देखिए मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिया है मेरे बच्चों ने, दिल खुश कर दिया। पेस्ट्री केक तो कल कटेगा, पर आज रात को 12 बजे सरप्राइज दे दिया इन्होंने। तो आ जाइए फ्रेंड्स, केक कट करते हैं। तो आ जाइए फ्रेंड्स मेरा बर्थडे केक खाने के लिए। तो ये सबसे पहले मेरी प्यारी इस यूट्यूब फैमिली के लिए, और अब खिलाती हूँ बच्चों को। ये देख रात के 12 बजे केक खा रहे हम हैप्पी बर्थडे। हो गया मेरा खाना। तो देखिए फ्रेंड्स, रात के 12 बजे बिस्तर में बैठ के केक खा रहे लो। चलिए फ्रेंड्स, रात के 12 बजे बच्चों ने कटवा दिया है केक। और देखिए खा के बिस्तर में जा रही, और मैं भी हैंड वॉश करके आती हूँ। और देखिए चॉकलेट दी है बच्चों ने, और बाकी का बर्थडे हम कल मनाने वाले हैं। तो अब हैंड वॉश करके आती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, केक भी कट गया है और अब सोते हैं फ्रेंड्स। हैंड वॉश भी कर लिया मैंने, और बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, आज बच्चों ने सरप्राइज दिया मुझे, है ना। और अब सोते हैं और मिलते हैं आप लोगों से सुबह। और गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रात का ही व्लॉग हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि रात के 12 बजे ही अनुषा ने कर दिया था हमारा व्लॉग शुरू, है ना। क्योंकि आज है फ्रेंड्स बर्थडे मेरा मेरा ही है और किसी का नहीं है ना। तो हम रात को छोटा सा यानी कि पेस्ट्री के काटे थे हम रात को। और ये देखो, आयुष और मैं सोए हुए थे, अनुषा जगी हुई थी फ्रेंड्स, और अनुषा ने दिया सरप्राइज, है ना। और ये दोनों है ना खाने के लिए पेस्ट्री मंगवाए थे, मुझे नहीं पता था कि ये लोग मुझे सरप्राइज देने वाले हैं, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, चॉकलेट भी दी थी बच्चों ने सरप्राइज में, है ना। वाह, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सारा दिन का हम
जो भी होगा हमारा रूटीन वीडियो जो भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। ज्यादा कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, बस जो भी केक कटिंग होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और कौन कौन मुझे आज विश करता है फ्रेंड्स देखते हैं, तो कौन सबसे ज्यादा विश करता है, बने रहिए वीडियो में और भर भर के कमेंट कीजिए और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं, और अभी देखिए बच्चों की वैन नहीं आई है फ्रेंड्स, क्योंकि आज बच्चों का स्कूल भी थोड़ा लेट है, तो अभी टाइम 8:30 बज गए हैं, अभी वैन नहीं आई है इनकी और अभी जाने वाले हैं ये। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स चले गए हैं बच्चे स्कूल, और ये देखिए फ्रेंड्स किचन वगैरह सारा फैला हुआ है, तो मैं कर लेती हूँ अब घर की क्लीनिंग। और टाइम हो गया फ्रेंड्स 9:10 हो गई हैं, और अभी थोड़ी देर पहले गए हैं, 10 मिनट हुई है बच्चों को गए हुए, तो जाते के साथ में तुरंत नहीं करती हूँ मैं झाड़ू पोछा वगैरह, तो अभी मैं करूँगी। और देखिए सारा घर इस टाइम पे फैला हुआ है, तो चलिए फ्रेंड्स कर लेती हूँ घर की क्लीनिंग। तो देखिए फ्रेंड्स घर की सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई है, और मेरा नहाना धोना भी हो गया है फ्रेंड्स, तो सारा काम मेरा फिनिश हो गया है, नहा धो के रेडी हो गई हूँ मैं, और अभी कपड़े भी सुखा के आ गई हूँ फ्रेंड्स छत पे। बहुत अच्छी धूप आ रखी है, अब 2 दिन से तो बहुत अच्छी धूप है फ्रेंड्स, तो कपड़े भी रोज सूख जाते हैं, खाना पीना भी सब हो गया है। देखिए किचन भी सारा क्लीन कर दिया है, और अब बच्चे आएंगे तो उनके लिए मैं बनाऊंगी रोटी, आटा रख दिया है मैंने। तो चलिए फ्रेंड्स अब जो भी रूटीन होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो सुबह का तो मैंने बस थोड़ा ही किया था, क्योंकि फ्रेंड्स ब्लॉग काफी लंबा हो जाता है तो मैंने नहीं किया था, तो अभी बच्चों का इंतजार कर रही हूँ। और अभी तो फ्रेंड्स 1 ही बजा है, बच्चे तो आने में बहुत देर है, अभी 2 बजे तक आएंगे बच्चे। तो चलिए फ्रेंड्स बाकी काम मैं निपटा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आ गए हैं, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, देखिए ये मैडम आ गई हमारी स्कूल से, और क्या खा रही है मुंह में, और अब इनके लिए बनाऊंगी फ्रेंड्स मैं रोटियां, है ना, तो रोटियां बना लेती हूँ। मेरा तो हो गया है खाना पीना सब, और मैंने स्वेटर चेंज कर लिए फ्रेंड्स, रेड स्वेटर पहन ली मैंने। तो चलिए फ्रेंड्स बना लेती हूँ इनके लिए खाना, और आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा ठंड है आज तो, घर में ठंड ही नहीं उतर रही है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, मैं नहीं ठंड लग रही। अभी थोड़ा धूप में चलेंगे, है ना, छत पे जाएंगे फ्रेंड्स, मैं इनके लिए बना दूँ पहले खाना, बना देती हूँ रोटी बनानी है, और सब्जी तो वैसे भी बनी हुई रखी है, तो चलिए फ्रेंड्स बनाती हूँ फटाफट से। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम के 7 बज गए हैं, और अभी 7 बजे से मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ फ्रेंड्स, और अभी मैं किचन में लगी हुई हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ फ्रेंड्स। इधर में आलू मैंने बॉईल किए हैं, चाय वगैरह हमारी हो गई है, दूध भी गर्म कर लिया है फ्रेंड्स, तो मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, और थोड़े आलू रख लूँगी, सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे तो बच्चों के लिए कुछ बना लूँगी फ्रेंड्स। और आज तो यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है, बहुत ज़्यादा, तो देखिए मैं हमने आग जला रखी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए आग जल रही है, और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी आज तो, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, तो मैंने आग जला दी है, और देखिए कितनी अच्छी आग जल रही, और इसके सामने बैठ जाओ ना फ्रेंड्स बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। तो चलिए मैं तो करती हूँ अभी काम, और जब भी पूरी लकड़ी जल जाएगी तो इसको अंदर लेके बैठ जाएंगे हम, और चलते हैं फ्रेंड्स। इधर में अनुषा देखिए क्या कर रही है, अनुषा देखिए ये कितनी देर से लगी हुई है, पर पता नहीं क्या प्रोजेक्ट वगैरह कुछ बनाने में लगी हुई है ये, और हम चलते हैं फ्रेंड्स किचन में और बना लेते हैं आलू की सब्जी। फ्रेंड्स सब्जी बना करके बस एक छोटा सा केक कटिंग करेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अब इतने बड़े हो गए हैं, कौन इतना करता है फ्रेंड्स, तो बस बच्चों की खुशी के लिए बस केक कटिंग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स बना लेती हूँ फटाफट से सब्जी, और फिर मिलती हूँ। सब्जी हमारी बन गई है, रेडी है सब्जी हमारी, और अब इसको ढक के रख देते हैं, और आग को भी अंदर लेके आती हूँ फ्रेंड्स, पूरी आग जल गई है।
ये देखिए आग भी जल गई है पूरी, तो इसको भी अंदर लेके जाऊंगी। और ये देखो कहाँ ठंड में खड़ा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है। तो फ्रेंड्स देखिए, अनुषा ने डेकोरेशन किया है, बलून वगैरह लगाया है देखिए, और इधर में हमारा केक भी लग गया है देखिए। फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ नहीं करते हम, छोटा सा केक काटते हैं, तो वो केक लग गया है देखिए। ये सब भी बच्चों के खुशी के लिए ले आते हैं फ्रेंड्स। और इधर में देखिए आग को भी अंदर ले आए हम, ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स केक काटते हैं, हमारी अनुषा आ गई है केक काटने के लिए, है ना। और इधर में हम जलाएंगे अब कैंडल, तो ये देखो कैसी कैंडल लेके आई अनुषा। तो चलिए फ्रेंड्स काटते हैं केक, इसमें लगा देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, अनुषा कैंडल जला रही है और आज अनुषा का बर्थडे है, अनुषा का बर्थडे। और देख ले फ्रेंड्स, कैंडल लगा दी अनुषा ने और जला रही है अनुषा, क्योंकि ठंड है फ्रेंड्स। कपड़े वगैरह चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही केक कट करेंगे हम लोग। अरे जल्दा मुझे दे, मुझे सपोर्ट कर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए चलो इधर आओ, केक काटो, वो तो जला दी। तो फ्रेंड्स खा लीजिए मेरा बर्थडे केक, आप सब भी आ जाइए। देखो अनुषा ने केक लगा दिया मुंह पे, आ जाइए फ्रेंड्स। और केक कट तो हो गया है हमारा, और अब खाना खाएंगे फ्रेंड्स। केक खा लीजिए, चॉकलेट खा लीजिए आप सभी, केक खा लीजिए। देखो इनको, इन्हीं को ज्यादा शौक है फ्रेंड्स, बच्चों को ही होता है केक वगैरह खाने का, बाकी हम लोग इतना नहीं खाते हैं। तो फ्रेंड्स केक भी कट कर लिया है हमने, और ज्यादा कुछ नहीं किया है फ्रेंड्स, छोटा सा बस केक वगैरह कट किया है। और इधर में हमारा खाना भी रेडी है, देखिए आयुष डाल रहा है खाना। आलू की सब्जी तो मैंने वैसे बनाई ली थी फ्रेंड्स, पर देखिए अभी आयुष डाल रहे हैं क्या क्या है खाने में, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स देखिए अनुषा डाल रही है खाना, इधर में है शाही पनीर है, दाल मखनी है और पनीर नान है आज का हमारा खाना। इधर में देखिए ये दोनों खा रहे हैं। अरे बलून तो किसी ने फोड़ा ही नहीं, अनुषा फोड़ेगी अब देखना बलून, ये देखो ये देखो बलून फोड़ दी इसने। मन गया बर्थडे। और ये देखो खाना खाने में लगा हुआ है आयुष तो। तो चलिए फ्रेंड्स मैं भी डालती हूँ, तो आ जाइए फ्रेंड्स, मैंने भी अपने लिए डाल लिया है खाना, तो आ जाइए आप सब भी। और इधर में देखिए फ्रेंड्स अनुषा ने भी खा लिया है खाना, और आयुष अभी खा रहा है देखिए। मैं और आयुष अब खा लेते हैं खाना, ज़्यादा कुछ नहीं किया है फ्रेंड्स, है ना, तो बस छोटा सा बर्थडे मनाया है। तो कमेंट जरूर करके बताइएगा फ्रेंड्स। ओके खा लेते हैं खाना और फिर मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोगों से। तो फ्रेंड्स खाना पीना हो गया है हमारा, और केक कटिंग भी हो गई है फ्रेंड्स, मना लिया है बर्थडे भी। और ये देखिए फ्रेंड्स सारा किचन वगैरह भी क्लीन कर दिया है, बर्तन वगैरह साफ हो गए हैं। और इधर में सुबह बच्चों के लंच की भी तैयारी हो गई है फ्रेंड्स, देखिए आलू भी मैश करके रख दिए हैं, और आलू के पराठे वगैरह कुछ बना दूंगी। और इधर में फ्रेंड्स मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई थी, उसी टाइम उसमें ही आलू रख लिए थे मैंने, तो सुबह बच्चों के टिफिन में काम आ जाएंगे। और इनको ढक के रख देती हूँ फ्रेंड्स, ढक दिए हैं। और देखिए मैंने फालतू में सब्जी बनाई थी फ्रेंड्स, पता नहीं था मुझे कि बाहर से खाना आएगा, पर आ गया था। और टाइम हो गया है फ्रेंड्स 9:30 बज चुके हैं, और इधर में देखे आग भी मैं अंदर ले आई थी, तो आग भी सारी बंद हो गई है वैसे, हल्की हल्की सी है। और हमारी अनुषा ने कुछ और स्पेशल गिफ्ट बनाया देखिए मेरे लिए, ये बहुत है ना, बहुत कार्ड बनाया है, 2 दिन की मेहनत है इसकी, 2 दिन से लगी हुई है कार्ड बनाने में। तो चलिए फ्रेंड्स दिखाते हैं आप लोगों को, ये तो इसने भी तो मुझे दिया भी नहीं है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे ये देखिए कितना प्यारा कार्ड बनाया है अनुषा ने, इसे फ्रंट कैमरे से भी दिखाएंगे। और ये दोनों की तरफ से है, आयुष की तरफ से और इसकी तरफ से, दोनों की तरफ से कार्ड। वैसे भी रात को दे दिया था इन लोगों ने मुझे सरप्राइज,
और अभी भी अनुषा की मेहनत से देखिए इसने अपने हिसाब से ही बनाया है ये कार्ड। तो चलिए फ्रेंड्स दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए फ्रेंड्स दिखाते हैं अनुषा का बनाया हुआ कार्ड। देखिए मेरे लिए कार्ड बनाया है, बर्थडे कार्ड, और मेरा ये स्पेशल गिफ्ट, बहुत ही प्यारा गिफ्ट। देखिए हैप्पी बर्थडे वगैरह लिखी हुई है अनुषा इसमें, और ये क्या डायरी सी बना के देख दी इसमें है ना। और ये देखिए फ्रेंड्स, वाह, कमेंट करके जरूर बताना अनुषा ने कितना प्यारा कार्ड बनाया। देखिए फ्रेंड्स, वाह, देखिए लड़की कहाँ से इतना दिमाग लेके आई है फ्रेंड्स। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट से खरीदा हो। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, और ये भी है, और ये हार्ट बनाया है। देखिए कितना प्यारा ग्लिटर सीड से, है ना। कैसा लगा है फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा अनुषा का ये बनाया हुआ कार्ड, बहुत ही प्यारा, मेरा स्पेशल गिफ्ट है ये। तो फ्रेंड्स खाना पीना भी हो गया हमारा अच्छे से, और केक कटिंग भी हो गई है, और ये देखिए मुझे तोहफा भी मिला है, कितना प्यारा सा तोहफा, और अनुषा ने अपने हाथ से बनाया है फ्रेंड्स ये। हाँ। और इतना प्यारा तोहफा है ये, यानी कि मुझे कभी किसी ने इतना प्यारा तोहफा नहीं दिया, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी लिखी है इसके अंदर में, है ना। तो दिल से थैंक यू दोनों को, थैंक यू सो मच, वेलकम, है ना। ये दोनों बच्चों की तरफ से है फ्रेंड्स, और टाइम हो गया है अब 10 बजने वाले हैं, अब व्लॉग का भी एंड कर देते हैं हम। आशा करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मेरी छोटी सी बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी तो क्या थी फ्रेंड्स, बस केक कटिंग किया था इन सब की खुशी की वजह से, क्योंकि इनको केक ज्यादा पसंद है ना फ्रेंड्स, इसलिए केक कट किया था। तो चलिए फ्रेंड्स खुश हो गए खुश हो गए ये। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।